नमस्कार, जय जगन्नाथ। यह वीडियो जायफूल मालिका का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखे गए मालिका ग्रंथों में से एक है जायफूल मालिका, और इस वीडियो में हम आपको महाभारत के शेष युद्ध और अश्वत्थामा जैसे बाकी महायोद्धाओं के बारे में बताएंगे। महापुरुष लिखते हैं, विराट देश रे जान, पांडव का अस्त्र रही छिन, पुड़ लो जायफूल, देख शमी वृक्ष रा प्रमाण। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने मालिका ग्रंथ में लिखा है कि ओडिशा में विराट राजा का देश था, जो जगह चौद्वार के नाम से जाना जाता है, और द्वापर युग में जो शमी वृक्ष था, यह सब जगह पर पांडव के अस्त्र छुपे हुए हैं। वही अस्त्र महाभारत युद्ध का, जो एक वेला का युद्ध बाकी है, जो अभी इस कलयुग में होगा, उसमें काम आएगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, भूरी श्रवा चीन देशे, जन्म लभीची भगत वेशे, लो जायफूल, वीर पाग बांधिव बर्ष। अर्थात भूरी श्रवा ने चीन देश में भक्त के रूप में जन्म लिया है, और वह वीर भी इस युद्ध में जमकर लड़ाई करेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, अमेरिका ओ लंदने, जन्म छंती तही भकत माने, लो जायफूल, बेले आसिबे दिने से माने। अर्थात अमेरिका और लंदन में भी बहुत सारे भक्तों ने जन्म लिया है, और वह लोग समय आने पर सामने आएंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, अभिमन्यु बाल वीर, बिलाल सेन को धरी, संगर लो जायफूल, दिने करीब महासमर। अर्थात अभिमन्यु बिलाल सेन के साथ मिलके महायुद्ध करेंगे। महापुरुष आगे लिखते हैं, एकलव्य घटोत्कच, बबरू बहाने मिलेण, पांच लो जायफूल, भांगी देवे विदेशी का पांच। अर्थात महाभारत युद्ध में वर्णित वीर अभिमन्यु, बिलाल सेन, एकलव्य, घटोत्कच और बब्रुवाहन आदि पांच वीर मिलकर शत्रुओं से लड़ेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, भारत युद्ध रे एही, रण रंका होई अछंती, एही लो जायफूल, सेही लंपटा कृष्ण रा पाई। अर्थात महाभारत युद्ध में ये बड़े बड़े वीर युद्ध नहीं लड़ पाए थे, अतः ये सब युद्ध के प्यासे हैं और आने वाले समय में घोर युद्ध करेंगे। महापुरुष लिखते हैं, तेनु एही पांच वीर, भारते करीबे महासमर, लो जायफूल, देखी अमरे होइबे भोल। अर्थात ये पांच बालवीर मिलकर भारत के लिए महायुद्ध करेंगे। महापुरुष आगे लिखते हैं, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य, कपट समरे एहांक बल, लो जायफूल, भांगी छंती से नंद दुलाल, पुणि एही वीर गण, भारत समरे करीबे पूर्ण, लो जायफूल, किए बुझिब एही समर। अर्थात भीष्म द्रोण कर्ण और शल्य आदि वीर जो महाभारत युद्ध में कपट समर किए थे, और कृष्ण जी के द्वारा जिनकी शक्ति समाप्त हो गई थी, वही लोग कलयुग में वर्णित कली भारत युद्ध में शत्रु से घोर युद्ध करके उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, सर्वे होई रण रंका, भांगी देवे विदेशिये का, पखा लो जायफूल, उड़ाई बेटी जय पताका। अर्थात मालिका में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि ये बताए गए सभी योद्धा द्वापर युग में अपने अपने मन के मुताबिक युद्ध नहीं कर पाए थे, और सभी युद्ध के प्यासे हैं। आगे महापुरुष लिखते हैं, तेनु एही वीर गणे, जन्मी अछंती भारत धाम, लो जायफूल, दिने रखिबे मात्र सम्मान। अर्थात उन्हें इस कलयुग में भगवान कल्कि ने फिर से जन्म दिया है, ताकि वे अधूरा युद्ध कर सकें। विदेशी योद्धाओं के वे सब पंख तोड़ देंगे और भारत माता का सम्मान बनाए रखेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, उलिये भारत युद्ध ओडिशा देश रे, पुड़ी होई बलो जायफूल, कहे जबन बही आसिब। अर्थात महाभारत युद्ध का एक वेला युद्ध बाकी है, और वही युद्ध इस युग के अंत में ओडिशा में होगा, और उस युद्ध में बहुत से अमन लोगों का विनाश होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, सेही बेल काल जानी, ओडिशा रे प्रभु जन्म बे, पुणी लो जायफूल, कहीं तांक माया को न चिन्हे। अर्थात उस समय में ही प्रभु कल्कि ओडिशा में जन्म लेंगे, और उनकी माया को कोई नहीं जान पाएगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, पिता का नाम अर्जुन, माता का नाम जे सुभद्रा, पुण लो जायफूल, तांक कोले हुई थी बे जन्म। अर्थात विभिन्न ग्रंथों में वर्णित
गुप्त नाम की तरह इस ग्रंथ में भी लिखा है कि उनके माता पिता का नाम अर्जुन और सुभद्रा होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, गुप्ते खेल लागीची घरे घरणिया लुची बुलुची लो जाई फूलो से ही भगत को होजू आची। अर्थात सारा खेल गुप्त में होगा और भगवान जन्म लेकर अपने भक्तों को ढूंढ रहे होंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, पंचु पांडव को घेनी बड मांडू को से भांगी बे टाणी लो जाई फूलो ताक संगे थिबे हल पानी गड मांटो को से बांट फिटाइन देबे पठान चाटलो जाय फूल केही ना जाने में देव कुट। पंच पांडव को लेकर प्रभु बहुत सी लीला करेंगे और इस देवकुट को कोई समझ नहीं पाएगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, पठान कुल रे जान शल्यकार परा होई छी जन्म लो जाय फूल सिद्ध अटे पलरे निपुण। अर्थात पठान जात में शल्य ने जन्म लिया है और इस युग में भी वह अपने विद्या में सिद्ध और निपुण है। आगे महापुरुष लिखते हैं, अर्जुन एक शररे गौरा सैनिक को मारे बे तत्परे लो जाय फूलो केही ना जाने बे से माया रे। अर्थात अर्जुन ने भी इस युग में जन्म लिया है और वे युद्ध में भाग लेंगे और बहुत से गोरे सैन्य लोगों का विनाश करेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, सेमान को से ही राज्य समर पे आसे बे नंद आत्मजलो जाय फूल तू ही हिंसा असत्य को तेज। अर्थात कलयुग के अंत में महाप्रभु कल्कि विदेश में युद्ध करके मलेच्छों का संहार करके राज्य पर विजय प्राप्त करेंगे और उस राज्य का भार जो लोग धर्म और भक्ति में होंगे उनके हाथ में सौंपकर उन्हें राजा बनाएंगे। इसलिए सभी हिंसा और असत्य को त्याग दें। आगे महापुरुष लिखते हैं, लखे मान स्वर्ण धरी रशिया असिब दर्शन करी लो जाई फूल भगत देखी बे कुंज बिहारी। अर्थात एक दिन रशिया 1,00,000 मार सोना लेकर महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने देश में ले जाने के लिए आएगा, तब सबको महाप्रभु कुंज बिहारी की लीला देखने को मिलेगी। आगे महापुरुष लिखते हैं, अग्नि रा दाहिका शक्ति टाणी आणी बे से कमला पतिलो जाई फूल तही विदेशीय जिबे हटी। अर्थात विश्व युद्ध के समय जब भारत के ऊपर परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाएगा तब महाप्रभु कल्कि परमाणु बम को जलाने वाली ऊर्जा को खींच कर ले जाएंगे। बम नहीं फटेगा और विदेशी मलेच्छ लोग तब डर कर भाग जाएंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, जर्मनी रशिया आदि इटली जापान तुरस्क गादिलो जाई फूल से ही सर्बे होइबे रती। अर्थात जर्मनी रशिया जापान इटली आदि अनेक देशों का अस्तित्व मिट जाएगा, प्रभु अनंत किशोर देव ही अंत में चक्रवर्ती बनेंगे। युद्ध में जिसके पास सच्चाई होगी उसको गोली भी काट नहीं सकती। एक दिन स्वराज्य जरूर होगा और भारत में यवन लोगों का अंत होगा। ये सब आखिर में होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध में होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, सेनापति जे मोहन प्रथम युद्ध रे होइब जान लो जाय फूल तप सिद्ध फल रे निपुण। अर्थात पहले युद्ध में सेनापति मोहन होंगे, वह तप सिद्धि में निपुण होंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, अनंत किशोर देव भ्रमी चक्रवर्ती निश्चय होइबलो जाय फूल एही कथा अटई टी त्रब। अर्थात अनंत किशोर देव भूमि चक्रवर्ती होंगे और यह बात अटल सत्य है। आगे महापुरुष लिखते हैं, अश्वत्थामा जर्मनी रे जन्म लभिची अति गुपत रे जाय फूल वीर समरे के ताकु पारे। अर्थात अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में अति गुप्त रूप से हुआ है जिसको कोई भी वीर समर में हराना मुश्किल है। अंत में हम कुछ द्वंद्व दूर करना चाहेंगे। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि कैसे संभव है कि 600 साल पूर्व लिखे एक ग्रंथ में लंदन टर्की इंटरनेट जैसे शब्द आए हों, ये संभव ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि भविष्य मालिका स्वयं महाप्रभु की वाणी है जो पंच सखाओं द्वारा लिखी गई है और उनमें भविष्य देखने की शक्ति थी। तभी वे स्पष्ट रूप से सुभाष चंद्र बोस से लेकर नरेंद्र मोदी भारत की आजादी तक सब कुछ स्पष्ट रूप से 600 साल पूर्व ही लिख पाए। और साथ ही 24 अंक में क्या होगा इस वीडियो पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि आपने कहा था कि भैरवी गर्जना होगी। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें, हमने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी। जो तिथि मालिका में वर्णित है मंगलवार और चैत्र मास, केवल वो ही बताया गया था। साथ ही ये नहीं बोला गया था कि साल 2024 में होगा। 24 अंक के विषय में वीडियो बनाया था जो कि 2024
2025 और 2026 के संदर्भ में है। और साथ ही एक बात आपको बताना चाहूंगी, यदि हम एग्जैक्ट डेट और अंक गणना करके आपको सब कुछ बता भी दें, तब भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इस दिन ही होगा, क्योंकि स्वयं मालिका में वर्णित है कि सब कुछ हरी इच्छा से ही होगा। पर एक बात तय है कि संपूर्ण सतयुग का आगमन 2032 में हो जाएगा। तो आप सभी त्रिसंध्या धारा अपनाएं, श्रीमद् भागवत पठन करें और माधव नाम जप भी करें। साथ ही शाकाहारी बनिए और किसी भी प्रकार का धूम्रपान नशा ना करें।